प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पत्नी अगर टीवी देख रही हो, उस वक्त पति अगर पानी मांगे तो पत्नी पानी नहीं देती है। अरे दया। हाँ? क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। जरा पानी लाना तो। दया पा लीजिए। ये तो लेकर आई। ठीक है, जा। नॉनसेंस किताब है ये। ये तो सोडी हाथी और भीड़े जैसों के लिए, मेरे लिए नहीं। गोबाचारी। पति कितना भी अच्छा हो, पर पत्नी अपने मायके वालों के सामने उसकी बुराई करके ही रहती है। बीवी हमेशा पैसों के लिए परेशान करती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। आइए ना मौसी। अजय सुनते हो? हाँ। हो ना? यही हूँ। देखो मौसी आई है। अरे नमस्ते मौसी जी। नमस्ते, नमस्ते। मौसी मौसी आप बैठ के बात कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आइए मौसी जी। आइए, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। लेकिन मेरे तो पेट में दर्द है। क्यों? वो रात को वड़े खाए थे ना। तो होगा ही। वो बचपन में कहते थे ना, अकेले अकेले खाएंगे तो पेट में तो दुखता ही है ना। क्या? मजाक कर रहा था। वैसे ये गोली दो या ये गोली दो? दोनों ले लीजिए। दोनों क्यों? दोनों ही पेट दर्द की दवाई है। क्या? पिछली बार तुमने पेशेंट को सर दर्द की दवाई दी थी तो वो गंजा हो गया था। क्या? नहीं, किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है। अरे तुम्हारा वो किसी ना, हर दूसरे पेशेंट के साथ ऐसा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको दोबारा डॉक्टर की एग्जाम देनी पड़ेगी। मौसी, इनकी दवाई लेने के बदले आप आराम भी करेंगे ना तो भी आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। चलिए संभल कर। पति कितना भी अच्छा हो, पर पत्नी अपने मायके वालों के सामने उसकी बुराई करके ही रहती है। रोशन, रोशन, सूचे। ओए, तूने मेरे पर्स से पैसे निकाले थे? हाँ, तो? ओए, तू जानती है तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? पर मैंने क्या किया? क्या किया? ओ, मैं ढाबे पे गया था खाना खाने के लिए, फर्स्ट क्लास खाना खा लिया और जब जेब से पर्स निकाला तो वो एकदम खाली। ओए, उसके बाद मुझे कितनी प्लेटें ढोनी पड़ी। ओए,
मैं कोई प्लेटे नहीं धोता, समझी? पर मुझे सड़क पे खड़े होकर ना वो गाड़ियां धोनी पै गई। राशन वाला आया था, उसने पैसे मांगे तो मैंने दे दिए। ओए तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। अरे पर तुम हमेशा बिना बताए जाते हो, बताती भी तो कब बताती? हाँ हाँ मेरी सब गलती है, हमेशा तो मेरी गलती होती है। जब देखो मेरी गलती मेरी गलती। रब मैनू बचा यार। ओए अब रोने मत लग जाना। तुम्हारी क्या पढ़ रहे हो? पत्नियों के अत्याचार। आ? नहीं ये अपना पत्नियों के लिए अचार बनाने के तरीके आए हैं इसमें, वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा दिखाइए। नहीं नहीं वो बाद में, बाद में। अच्छा ये जरा बैंगन काट के दीजिए ना, मुझे खाना बनाना है। इतने सारे बैंगन, क्या अचार डालना है क्या? अगो भाई आपको कैसे पता चला? काट के दीजिए ना, अर्जेंट ऑर्डर है। एक मिनट माधी, लेकिन मुझे बच्चों के लिए पेपर निकालना है, कल टेस्ट है। लेकिन अभी तो आपको रेस्ट है ना। लेकिन माधवी थोड़ी देर मुझे शांति से बैठने तो दो। देखिए सोनू को बहुत भूख लगी है ना सोनू? हाय खाना दो ना। देखा, और वैसे भी आप दिन भर किताबों में लगे रहते हो, आप अगर नया कुछ अलग करेंगे ना तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। अच्छा अच्छा तुम्हारा मतलब है कि ये बैंगन काटने से मैं फ्रेश हो जाऊंगा? और क्या माधवी प्लीज। ये सॉरी और ये प्लीज शब्द है ना, ठीक है इतने ही है ना? नहीं और थोड़े है, मैं बाद में लाती हूँ, ये काटिए सर। गोबाचारी का ये गणित तो बहुत पक्का है, पत्नियां पति को कभी फ्री बैठा नहीं देख सकती, किसी भी तरह से काम करवा ही लेती है। अच्छा किसका किसका मुंडन है? ओ अच्छा है। हाँ नहीं नहीं मैं तो दुकान छोड़ कर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं दया को बोल दूंगा, वो आ जाएगी। हाँ भले आप। ओ मेहता साहब क्या बात है, हैं ऐसे बाहर बैठ कर शाम का मजा ले रहे हो? अरे यार मजाक कर रहे हो जेठालाल, मेरे चेहरे पे मजा नजर आ रहा है कहीं? अरे सजा भुगत रहा हूँ सजा। और काय का मेहता यार, पपीता बोलो पपीता। नहीं मैं आपको बबीता नहीं बुलाऊंगा। जेठालाल सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अरे बबीता नहीं पपीता बोलो मुझे, पपीता। पपीता क्यों? पत्नी पीड़ित तारक मेहता। अच्छा अच्छा वो पपीता। क्यों भाभी जी के साथ हो गया कुछ डिसुम डिसुम? हाँ उस गोबाचारी की एक एक बात सच हो रही है। अभी अभी अंजलि से माफी मांग के आ रहा हूँ बिना किसी गलती के। सुबह खुद ने सीडी बैग में नहीं रखी फिर भी मुझे माफी मांगनी पड़ी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हद है। मेहता साहब बुरा मत मानना, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसमें मैं बुरा क्यों मानूंगा भाई? अरे मेरा मतलब है आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पत्नी को कैसे हैंडल करते हैं वो आपसे ज्यादा अच्छा मैं जानता हूँ। कैसे? पत्नी पे हमेशा ना ऐसे ऐसे आंख दिखा के धाक जमाने का, और दिन में दो बार है ना बिना होचे डांटी देने का। अरे धीरे बोलो जेठालाल, मरवाओगे तुम यार। क्या मेहता साहब इतना वाइफ से डरते हो? देखो पत्नी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, औरत की अकल पैर के पानी में ही होती है। पानी में? कौन से पानी में? अरे पानी पानी ए, ए। क्या बोलते आप इसको? ओहो पैर की एड़ियों में। ये आपके गोबाचारी की किताब की एक भी बात मेरे घर में लागू नहीं पड़ती है। मैं तो दया को वो मोबाइल में से बटन दबा के साइलेंस करते हैं ना, वैसे ऐसे एक उंगली के इशारे पे दया साइलेंस। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? चलो मेरे घर चलो, मैं दिखाता हूँ आपको जौ पी के। क्या दिखाते हो क्या पी के? अरे जौ पी के जलवे पति के। भैया माफ कर दो मुझे, मेरी तो मारी गई थी मती जो मैं बना पति। मुझे कोई जलवे नहीं देखने, पत्नी का जलवा तो देख के आ रहा हूँ, अब पति के नहीं देखने। ठीक है जैसी आपकी मर्जी, वरना मजा आता था आते थे तो। चलो चलता हूँ जी।
दुखी हो गया हूं यार। दया दया क्या है बापूजी? आप इधर ही बैठे, माफ करना मैंने आपको देखा नहीं। दया यहाँ पर तो हूँ। दया ऐसे दरवाजा खुला छोड़ती हो तुम? हाँ? बाबूजा मैंने खुला छोड़ा है। क्यों क्या हुआ? अच्छा आपने खुला छोड़ा है? नहीं, आपने खुला छोड़ा होगा तो सोच समझ के ही खुला छोड़ा होगा। गर्मी हो रही थी मुझे, इसलिए हवा की अवर जवर के लिए खुला छोड़ा है। दया अंदर आना। खाने में क्या बनाया आज? हाँ? आप बताइए आपको क्या खाना है? ढोकला। ढोकला? ढोकला आज नहीं कल मिल सकता है, कल आना। हाँ? मतलब मैं ढोकला आपको कल बना के दूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज क्यों नहीं? जरूर। देखिए ढोकला बनाने के लिए बहुत देर लगती है। एक वाट की चने की दाल और एक वाट की चावल को पूरी रात भिगोना पड़ता है, फिर दूसरे दिन उसका आथा आता है और फिर ढोकला बन सकता है। ठीक है तो बटाटा वड़ा बनाओ। बटाटा वड़ा? नहीं। क्यों बटाटा वड़ा नहीं बन सकता है? उसको भी रात भर भिगोना पड़ता है। अरे नहीं, बटाटा वड़ा मैं अब भी बना सकती हूँ, पर मैं बटाटा वड़ा बनाऊंगी नहीं। अच्छा बनाऊंगी नहीं? क्या मैं पूछ सकता हूँ बटाटा वड़ा तुम बनाऊंगी नहीं क्यों? अरे बटाटा वड़ा बनाएंगे तो उसमें आलू आता है और आलू से आपको गैस हो जाएगा, और अगर आपको गैस हो जाएगा तो घर में चूरन भी नहीं है। तुम मेरे चूरन की चिंता मत करो, तुम बटाटा वड़ा बनाओ, क्योंकि अगर आज मैं कुछ खाऊंगा तो सिर्फ बटाटा वड़ा खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। देखिए घर में आलू ही नहीं है। ये क्या है दया, ढोकला तो के नहीं आलू तो के नहीं तो आदमी खाए क्या? ए भाई वो शाक मार्केट के फेरी वाले की तरह क्या चिल्ला रहा है, क्या तकलीफ क्या है तुझे? देखिए ना बाबूजी क्या बोल रही है। हाँ तो वो सही बोल रही है, बटाटा वड़ा खा खा के खुद तो चैन से सो जाता है, लेकिन बहू का तो सोच। हाँ। जो है वो चुपचाप खा ले बबूचक कहीं का। फिर क्या सोचा, क्या खाओगे? सोचने से फायदा भी क्या, मैंने जो बनाया है आखिर वही खाना पड़ेगा ना। करेले की सब्जी गरम करके देती हूँ, खा लेना। मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ। देखा मैंने कहा था मेरी किताब पढ़ने के बाद आपको आपके पीड़ा का पता चलेगा। आपकी किताब तो बुखार की दवाई जैसी है, पढ़ते ही पसीना पसीना हो गया। ओए हमें तो आज पता चला हमारी बीवियां हमारे कार के ड्राइवर हैं और हम लोग क्लीनर। अरे हमारे जमाने में तो मेरी माँ सुबह शाम घूंघट ओढ़कर मेरे पिताजी के पैर चूती थी। ए भिड़े, और आज सब लोग इधर जमा है, आज बता ही दो तुम्हारी उम्र कितनी है। नहीं नहीं हर बार तुम हमारे जमाने में बोलते हो, अभी हम लोग के जमाने में वाट लगी है हमारी, उसके बारे में बात करो ना यार। ज्ञान इवड़े करेक्ट। अब हम सबको ये बताओ कि इस समस्या का निदान कैसे हो, छुटकारा कैसे पाए हम? देखो ये शादी जो होती है च्युइंगम जैसी होती है, पहले तो मीठी लगती है बाद में बस चबाए जाओ चबाए जाओ। अरे भाई इसमें नया क्या बोला आपने, ये हम जानते हैं, रोज अनुभव करते हैं।
अरे वो छोड़ो, हम अपनी पत्नी को कैसे सुधारें उसके बारे में कुछ बोलो। अरे बोलो ना भाई। अरे गोबाचारी भाषण नहीं चाहिए, कुछ इलाज बताओ। भाषण नहीं, अरे भाई बताता हूँ। देखो बताओ, मम्मी भीमा, माता जी। अगर भाई टप्पू तू सच कह रहा है? अरे हाँ, चलो मेरे साथ। दुनिया के तमाम पुरुषों एक हो जाओ, सिखा दिया गोबाचारी ने गोकुलधाम सोसाइटी के सब मर्दों को। और सारे मर्द सोच रहे हैं कि शायद हमारी इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन षड्यंत्रों की खबर फैल जाती है, पता चल गया सारी महिलाओं को। अब महिलाएं बड़ी गुस्से में हैं, निकल पड़ी। पता नहीं ये महिला मंडल क्या कर बैठे, पता नहीं पत्नी पीड़ित संघ के ये पुरुष कोई नया आंदोलन शुरू न कर दे, ये गोबाचारी कोई नई चाल न खेल ले। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है प्रतीक्षा करना, मेरे लिए भी मुश्किल है, पर जरा सा इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक, जब आप और हम मिलकर देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।